नमस्कार दोस्तों कंपनी लॉ के लेक्चर नंबर तीन में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट थियरीज ऑफ कॉरपोरेट पर्सनालिटी आपके सिलेबस में टोटल चार थियोरीज दी है हम लोग हर एक थियरी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे फिक्शन थियोरी रियलिस्ट थियोरी ब्रैकेट थियोरी और पर्पस थियोरी हर एक थियरी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस थियोरी को प्रोपाउंड किसने किया था यानी फाउंडर्स कौन थे हर एक थियोरी की मेन बॉडी और क्रिटिसिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में जब भी यह सवाल आएगा आपको भी ठीक इसी फॉर्मेट में लिखना है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉरपोरेट पर्सनैलिटी क्या है इन शॉर्ट इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीन ले लेना लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा इन शॉर्ट पर्सनैलिटी जो है वो एक आम इंसान का फीचर है एक अन इनकॉरपोरेटेड नेचुरल इंसान पर्सनैलिटी का मतलब है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अदर्स और कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का भी मतलब वही है एक कॉरपोरेशन यानी इनकॉरपोरेटेड कंपनी का अपने प्रमोटर्स से मेम्बर्स से ओनर्स से शेयर होल्डर से अलग एग्जिस्टेंस रहेगा सिर्फ इतनी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट पर्सनैलिटी ये जो कॉन्सेप्ट है वो लीगली रिकोग्नाइज है और इसीलिए इसके चार थियोरीज है हर एक थियोरी अपने आप में यूनिक है कोई भी थियोरी परफेक्ट नहीं है ऑन इट्स ओन और इसीलिए आपको पूछा जा सकता है कि कॉरपोरेट पर्सनालिटी की कौन सी थियोरी परफेक्ट है तो आपका आंसर रहेगा कोई भी नहीं हम लोग को हर थियोरी का हर थियोरी से कुछ अच्छा उठाना है और एक बैलेंस थियोरी बनानी है ऑन आवर ओन और हर एक थियरी को हमें सिचुएशनली अप्लाई करना है ये आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम का आंसर रहना चाहिए अभी हम लोग सबसे पहली थियरी के ऊपर नजर डालते हैं सबसे पहली थियोरी है फिक्शन थियोरी इसके जो सपोर्टर्स है वो है सालमन और सेविग्नी अकॉर्डिंग टू फिक्शन थियोरी द कॉरपोरेट पर्सनैलिटी अटैच टू द कॉरपोरेशंस इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्योर लीगल फिक्शन कॉरपोरेट पर्सनैलिटी इज एन इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ लॉ क्रिएटेड ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट अ कॉर्पोरेशन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इवन द लास्ट मेंज अ कंपनी इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव सीज टू एग्जिस्ट इट डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी वॉट सर्वाइव इज ओनली अ फिक्टिशियस क्रीचर ऑफ लॉ एग्जाम्पल शेल कंपनी ये जो फिक्शन थियोरी है वो ये कहती है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इसका मतलब है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एक कंपनी उसके प्रमोटर से मालिक से और शेयर होल्डर से अलग है और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लॉ उसे रिकोग्नाइज करता है अगर लॉ ने यह चीज रिकोग्नाइज करना बंद कर दिया तो देयर विल बी नो सच थिंग एज कॉरपोरेट पर्सनैलिटी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इमेजिन करिए आपने और आपने आपके दोस्त ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश की जिसके लिए दो कंपलसरी है और आपने कोई भी एंप्लॉइज कोई भी शेयर हो, होल्डर्स हायर नहीं किए या फिर किसी भी शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी को सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ आप दोनों ही उस कंपनी के मेंबर हो यानी ऑन द ग्राउंड सिर्फ आप दोनों ही कंपनी हो और इमेजिन करिए आपने उस कंपनी से एज अ डायरेक्टर रिजाइन कर दिया और आपके दोस्त की डेथ हो गई तो ऑन द ग्राउंड देर इज नो सच थिंग एज अ कंपनी क्योंकि आप दोनों ही उस कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी स्टिल रिमेन्स आपने एक शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट सुना होगा डायरेक्टर्स भी है एम्प्लॉयज भी है लेकिन सारी चीजें ऑन पेपर है लेकिन शेल कंपनी एक लीगल स्ट्रक्चर के रूप में अभी भी एग्जिस्ट करती है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फिक्शन थियोरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जब तक लॉ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को रिकोगनाइज करेगा इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी विल बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मेंबर्स अगर लॉ ने यह चीज रिकोगनाइज करना बंद कर दिया तो फिक्शन थियोरी के हिसाब से कॉरपोरेट पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सिर्फ एक फिक्टिशियस क्रीचर है लॉ का इसके हम लोग क्रिटिसिज्म्स देखते हैं सबसे पहला है इट फेल्स टू आंसर सेटिस्फैक्टरीली द सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन ये इंपॉर्टेंट है आप इसे वर्ड टू वर्ड एज अ क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू सोशल ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस एनजीओस एज प्रोपाउंडेड बाय सालमंडग्नि सालमंडन सहविग्नि पुराने जमाने के जो फिलोसोफर्स थे वो थे और उन्होंने कॉरपोरेट पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशंस एन और सोशल ग्रुप्स को भी अप्लाई की थी उनकी ओरिजिनल थेरी के हिसाब से लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से ये जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है यानी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इनकॉरपोरेटेड क्रीचर्स के ऊपर ही अप्लाई होता है यानी इमेजिन करिए आपने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया और अगर उसे रजिस्टर कर दिया तो ही वो सेपरेट पर्सनालिटी आपके लिए लागू होगी या फिर आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आपने उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर कर दिया तो ही ये चीज अप्लाई होगी यानी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी एप्लीकेबल होगी अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न और दूसरी कंपनी इनमें ये सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता ये है इसका मेन क्रिटिसिज्म अभी हम लोग देखते हैं रियलिस्ट थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी इसके जो सपोर्टर्स हैं उनके नाम है ऑटो वॉन ग्यूरिक और फ्रेडरिक विलियम मेटलैंड रियलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि अ कॉरपोरेशन इज इनकॉरपोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ईच ग्रुप हैज अ कॉमन पर्पस एथिक्स एनवायरमेंट वर्क कल्चर माइंड सेट एक्सेट्रा इवन दो कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी actual physical people work in the corporation they have common purpose ethics environment work culture mindset etc therefore corporation also has a separate corporate personality because it is a representation of collective will and collective personality of people working in it रियलिस्ट थेरी का मतलब ये है कि कॉरपोरेशन भले ही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी लेकिन इसे नॉर्मल लोगों ने नेचुरल लोगों ने इनकॉरपोरेट किया है और इसमें कई एम्प्लॉयज काम करते हैं कई शेयर होल्डर्स हैं और हर एक कंपनी का अपना एक वर्क कल्चर होता है और इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग कंपनी से जोड़ कर देखें तो हर एक कंपनी की अपनी एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी निकल कर आती है और ये कहती है रियलिस्ट थेरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी यानी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज एब्सोल्युटली रियल अभी हम लोग रियलिस्ट थियोरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं रियलिस्ट थियोरी जो है वो लीस्ट प्रैक्टिकल और लीस्ट एक्सेप्टेड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की थियोरी है क्योंकि अ कंपनी इज मियरली एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस मियरली बिकॉज इट वॉज रिकोगनाइज बाय द लॉ दे फॉर अ कंपनी हैज अ रियल कॉरपोरेट पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ इट्स ओन मेंबर्स एम्प्लॉइज इट इज एन इम्प्रैक्टिकल थाट रियलिस्ट थियरी क्या कहती है कि रियलिस्ट थियोरी में एक्चुअल फिजिकल लोग काम करते हैं हर एक का वर्क कल्चर है वर्क एथिक है सेपरेट पर्सनैलिटी है और कंपनी जो है वो इन सभी का रिप्रेजेंटेशन है और इसीलिए कंपनी की भी सेम पर्सनैलिटी है ये काफी इम्प्रैक्टिकल थाट माना जाता है और अगर हम लोग में जाकर देखे कि कंपनी क्या है कंपनी एन एंट्री इन द रजिस्टर रजिस्टर ऑफ कंपनीज नाम की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है इसके ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर आपकी कंपनी की एक एंट्री लिखेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन इशू करेगा और आपकी कंपनी के सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का सिर्फ वही एक प्रूफ है आप इंडिया की कोई भी बड़ी कंपनी देख लो चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी चाहे वो विप्रो होगी चाहे वो अदानी होगी चाहे वो इन्फोसिस होगी इन सारी कंपनीज को सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन इशू किया है और सिर्फ यही इनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ है तो इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन की अलग अलग पर्सनैलिटी होगी ये मानना एक इम्प्रैक्टिकल थाट होगा और इसीलिए रियलिस्ट थियोरी आपकी सबसे लीस्ट प्रैक्टिकल और लीस्ट एक्सेप्टेड थियोरी मानी जाती है